વલસાડ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા માધ્યમિક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને માનસિક રીતે બીમાર કરતી પબજી ગેમ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. વલસાડ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કેએફ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે મોબાઈલ ગેમના વધી રહેલા ક્રેઝના કારણે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની એકાગ્રતા ગુમાવી રહ્યા છે અને શિક્ષણમાં પૂરતું ધ્યાન આપી શકતા નથી, માટે વિદ્યાર્થીઓને પબજી ગેમ રમવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત જિલ્લાની દરેક શાળાને એક પરિપત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓને મોબાઈલ પબજી ગેમથી થતી વિપરીત અસરોથી અવગત કરાવવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. किस तरह से पूरा बच्चे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पूरा किस तरह का उनका मानसिक स्थिति रहता है? अभी हमारे जैसे अनन्या सेंटर में पिछले 3-4 महीने में कम से कम 15 से 20 बच्चे आ चुके हैं सिर्फ पबजी के एडिक्शन के लिए. और एडिक्शन का भी पता कैसे चलता है कि जब स्कूल से कंप्लेंट आना शुरू हो जाती है कि ये बच्चा आजकल स्कूल में क्लास में सो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को लगता है कि खाना भी बराबर नहीं खा रहा है, बहुत जल्दी अपने बेडरूम में चला जाता है. उसके बाद वो जब उन्होंने पेरेंट्स जब चेक करना शुरू कर दें कि जब स्कूल से कंप्लेन आ रही है, रिजल्ट भी खराब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो रहा और आजकल बहुत इरिटेट हो जाता है और बहुत जल्दी अपने बेडरूम में चला जाता है, जब पेरेंट्स चेक करते हैं तब पता चलता है. क्योंकि पबजी जो है ये पूरे ग्रुप में खेला जाता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं उनके ग्रुप सर्कल बैठा हुआ है और सबके सब स्कोर पे स्कोर अर्न कर रहे हैं. तब कई बार चेक में आया कि बच्चे अपने रजाई के अंदर, चादर के अंदर और रात को 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बजे तक गेम खेल रहे हैं और उसकी वजह से सुबह उठने को उनको बहुत मुश्किल हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन पूरा चला जाता है. सुबह उठते तो आंखें लाल लाल दिखती तो पेरेंट्स परेशान होते कि क्या हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई. फिर कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही, हेडेक प्रॉब्लम आ रहा है. और ये जितने भी मोबाइल गेम या वीडियो गेम बने हुए ये सारे एडिक्टिव वैल्यू वाले, मतलब उसमें एडिक्शन होता है और एडिक्शन का मतलब ही होता है कि वो नशा देता है. नशा मतलब उनकी खुशी उस गेम पर डिपेंड करती है और उसमें क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फटाफट फटाफट बच्चों को स्कोर मिलते हैं तो बच्चे उसमें इतने इमोशनली एनग्रॉस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ. और पढ़ाई या किसी भी चीज़ में ग्रेटिफिकेशन या उनको संतुष्टि में टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी उनको यदि सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस चीज़ में उनका आकर्षण, उनका मोह और उनका वहाँ पर वशीकरण हो जाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनका पूरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है. फिर मम्मी पापा ने यदि पढ़ाई के लिए बोला तो इरिटेट हो जाना, बैक आंसरिंग करना, फिर इस तरह की चीज़ें जब चालू होता है. दूसरा, उनको फ्रेंड्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, शाम को खेलने के लिए भी नहीं जाते, पूरे समय मोबाइल में लगे रहते हैं. ज्यादातर किस एज के बच्चे यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं? हमारे पास जो इसके एडिक्शन वाले खेलते तो मैक्सिमम बच्चे अभी इस गेम में लगे हुए हैं, लेकिन जो एडिक्ट हो जा रहे हैं वो है 7th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे. क्योंकि 9th के बाद थोड़ा सीरियस स्टडीज हो जाती है और पेरेंट्स थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करते हैं, लेकिन 7th स्टैंडर्ड वाला जो एज है जिसमें 12-13 साल के बच्चे होते हैं ये किसी भी चीज में बहुत जल्दी फंस जाते हैं. तो 7th स्टैंडर्ड से शुरू होता है और 9th में जाके जब, क्योंकि पेरेंट्स अलर्ट होते हैं, स्कूल से कंप्लेन आती है या रिजल्ट डाउन होता है तो पेरेंट्स की अवेयरनेस की वजह से वो वहाँ पे डाउन हो जाता है. तो अगर पता चले कि कोई बच्चा इस तरह से एडिक्टिव हुआ है तो अपने माता पिता को क्या करना चाहिए? पहले तो इसके सिम्टम्स जरूर पहचानना चाहिए कि यदि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मांगता है वो, फिर उसके बाद यदि आंखें उसकी लाल हो रही हैं, बार बार हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो रहा है, उसका रिजल्ट डाउन हो रहा है और यदि पेरेंट्स ने मोबाइल उसको हैंड ओवर करके रखा है या अपना मोबाइल या उनको पर्सनल मोबाइल दिया है तो इमीजिएटली समझना चाहिए कि मोबाइल में कुछ गड़बड़ चल रहा है. नंबर 2, कि यदि इंटरनेट की फैसिलिटी मोबाइल में दे के रखी हुई है तो पक्का है कि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें जबरदस्ती जैसे पॉपअप हो जाती हैं तो बच्चा उसमें इनग्रॉस होगा क्योंकि क्यूरियोसिटी की उसकी एज है. और यदि माँ बाप ने उसमें चेक नहीं रखा तो इस नहीं तो किसी और गेम में या किसी और साइट में वो इस तरह की प्रॉब्लम में इनग्रॉस होना ही है उसको. तो पेरेंट्स इसमें पहली बात तो ये करें, क्योंकि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो हम ये देते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक आपका बच्चा इमोशनली इमैच्योर है, इसलिए उसके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना वोटिंग राइट है. यदि वो इमोशनली इमैच्योर है उस समय कोई भी मोबाइल जैसी खतरनाक चीज़ या कोई भी ऐसी गैजेट जिसको आपने ये समझाया ही नहीं कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, यदि उसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है तो बिना कंट्रोल के ऐसी चीज़ें देना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. क्योंकि कई सारी चीज़ें इसी मोबाइल के चक्कर में आती हैं कि उनके अफेयर भी हो रहे हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं है.
तो पबजी जैसे गेम में नंबर वन कि पेरेंट्स को मोबाइल नंबर वन देना ही नहीं चाहिए, दूसरा यदि बच्चे के बिहेवियर में कुछ भी दिखता है इररेगुलर तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और थर्ड यदि आपने मोबाइल दे भी दिया है तो भी रात को 10 बजे के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए ताकि वो साउंड स्लीप लें और पढ़ाई पे फोकस करें। सबने नमस्कार। ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની તમામ શાળાઓની અંદર પબજી ગેમ અને એ અન્ય એ પ્રકારની વિદ્યાર્થીની માનસિક વિકૃતિ પેદા થાય એ પ્રકારની ગેમ અંગેનો પરિપત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલો છે। અહીંયા વલસાડ જિલ્લાની અંદર અમે તમામ શાળાની અંદર આ પરિપત્ર પરિપત્રિત કરવામાં આવેલો છે અને સ્પષ્ટપણે તમામ પ્રિન્સિપાલોને જણાવવામાં આવેલું છે કે આ ગેમ વિદ્યાર્થીઓને માનસિક વિકૃતિ પેદા કરે છે, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીમાં અપરાધ વૃત્તિ પેદા કરવાની આ એક માનસિક વિકૃતિના સ્વરૂપે છે, જેથી તમામ વ્યાયામ શિક્ષકોને અને ખાસ કરીને શાળાની અંદર જે નેટની ઇન્ટરનેટની જે સુવિધા છે એ સુવિધાની અંદર પણ આ પ્રકારની જે ગેમ હોય એની વેબસાઇટ પરથી દૂર કરવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી છે। મારે સૌ વિદ્યાર્થીને અપીલ છે કે આ પ્રકારની ગેમ કરતાં પણ એજ્યુકેશનની અંદર ઘણી બધી સર્જનાત્મક ગેમ હોય છે, એ સર્જનાત્મક ગેમ રમીને પોતાના એજ્યુકેશન લાઈફની અંદર લાઈફ સ્કિલનો એની અંદર ડેવલપ થાય અને પોતે જીવનમાં જે એજ્યુકેશનનું જે મહત્વ સમજીને એ પ્રકારની ગેમ રમે એ મારી એક અપીલ છે। પરંતુ આ પ્રકારની વિદ્યાર્થીના શારીરિક માનસિક ની ઉપર અસર કરે એ પ્રકારની ગેમ ન રમે એના માટેની પણ આ મારી સૌને નમ્ર અપીલ છે। સાથે સાથે પ્રિન્સિપાલ શ્રીને અને વિદ્યાર્થીઓને અને વિદ્યાર્થીના વાલીને પણ એટલી જ અપીલ છે કે તમારા બાળકને હંમેશા એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો કે જેથી આ પ્રકારની વેબસાઇટ ઉપરથી કે ઇન્ટરનેટ પરથી આ અલગ અલગ પ્રકારની ગેમો ન રમે એના માટેની તકેદારીની પણ આપ સૌને મારી અપીલ છે।